आज की इस वीडियो में हम दो स्विच, दो सॉकेट और एक इंडिकेटर के कनेक्शन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सॉकेट है, स्विचेस है, इंडिकेटर है, उसको हम बोर्ड के अंदर अच्छे से टाइट कर लेंगे, कस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दो सॉकेट है और दो स्विच है और एक इंडिकेटर दिया गया है। तो इसके अंदर हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले हम आपको बता देता हूं, जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के अंदर डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल सप्लाई आएगी। जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है और जो फेज आएगा वो हमारा स्विच के थ्रू होते हुए आएगा। तो चलिए अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वायरिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इंडिकेटर है उसके एक टर्मिनल के अंदर फेज आएगा, दूसरे टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल सप्लाई आएगी। तो जो फेज आएगा वो हमारा स्विच के अंदर भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्विच के टर्मिनल है, एक एक टर्मिनल है, उनको और एक इंडिकेटर को कॉमन बना लेंगे वायर से। तो सबसे पहले हम एक, दो, तीन, तीन टर्मिनल को एक वायर से कॉमन बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इन तीनों टर्मिनल को कॉमन बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो स्विच है, ये स्विच इस सॉकेट का है, ये स्विच इस सॉकेट का है। तो हम इस स्विच से इस वाली सॉकेट के अंदर वायरिंग करेंगे और इस स्विच से इस वाली सॉकेट के अंदर वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने इस स्विच के साथ ये वाली सॉकेट जोड़ दी है और इस स्विच के साथ हमने ये वाली सॉकेट जोड़ दी है। सॉकेट के अंदर जहां पे एल लिखा होता है उसी के साथ हम स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बारी आती है न्यूट्रल की। न्यूट्रल हमारा सॉकेट के अंदर यहां पे आएगा और यहां पे आएगा और इंडिकेटर के अंदर इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो हम एक, दो, तीन, तीन पॉइंट को हम न्यूट्रल वायर से, यानी कि ब्लैक कलर की वायर से कॉमन बना लेंगे। जिस तरह से हमने ये स्विच के और इंडिकेटर के जो कॉमन बनाए थे, उसी तरह से हम एक, दो और तीन, इन तीनों टर्मिनल को हम कॉमन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं जो सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल थे उनको हमने ब्लैक वायर से कॉमन बना लिया है और जो इंडिकेटर का एक टर्मिनल था जो कि न्यूट्रल का था, उसको भी हमने सॉकेट के जो न्यूट्रल वाले टर्मिनल है उसके साथ ही कॉमन बना लिया है। वायरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इंटरनल वायरिंग है। अभी हमें जो इनपुट इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई देनी है, वो हम फेज सप्लाई को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसलिए हम फेज वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी न्यूट्रल चला जाएगा और यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर भी न्यूट्रल चला जाएगा। तो हमारे पास ये वायर है, इस वायर को हम इसके अंदर जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल वायर को, जो कि ब्लैक कलर की है, हमने सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। जो फेज वायर है वो हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। अभी हम इस बोर्ड को फिट कर लेते हैं, फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने बोर्ड को अच्छे से फिट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई है इसको हम सप्लाई के अंदर कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम सप्लाई के अंदर कनेक्ट करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सप्लाई इस बोर्ड के अंदर आ चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने पीछे से सप्लाई को ऑन किया, वैसे ही इंडिकेटर ऑन हो गया है। इससे हमें पता लग गया कि इस बोर्ड के अंदर सप्लाई आ चुकी है। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक ये होल्डर और एक बल्ब है, इसको हम क्या करेंगे, इस सॉकेट के अंदर इस तरह से लगा लेंगे और ये हमारा स्विच है, इसको हम ऑन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी काम कर रहा है। इसी तरह से हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से दो स्विच, दो सॉकेट और एक इंडिकेटर का बोर्ड बना सकते हैं अपने घर पे ही, खुद ही। तो आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।